कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी बवाल चल रहा है और पूरा देश दोफाड़ हो चुका है। एक पक्ष में दूसरा विपक्ष में, पक्ष वाले तर्क दे रहे हैं और विपक्ष वाले अपना तर्क दे रहे हैं। इसी बीच कश्मीर को लेकर कश्मीरी नेताओं के भी बयान लगातार आ रहे हैं और वो अपने स्तर से अपनी बात रख रहे हैं। इनको लेकर सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी और कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक आयोग नियुक्त करे और वह उन्हें बताए कि कौन जिम्मेदार है। आप सच्चाई जानना चाहते हैं, आपको एक आयोग गठित करना चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कहा कि आरोप लगते रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आयोग का गठन होता है सच्चाई सामने आएगी, और क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। I think they should appoint a commission and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time, you were, see, this is the document, sir. Well, that's what I attempt. Appoint a commission and put it before them. लेकिन सर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है। आपके रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर, अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होता है तो। Sir, once I have told you, if you want to know the truth, you should appoint a commission. तो सुन लिया आपने, अब आपको कश्मीर की दूसरी बड़ी पार्टी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बारे में बताते हैं। रविवार को बीजेपी पर लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर देश को दूसरे विभाजन की ओर धकेलने का आरोप लगाया। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उनकी धर्मनिरपेक्ष साख, विकास और समृद्धि के पथ पर भारत को आगे ले जाने के लिए तारीफ की। जानकारी देते चले कि महबूबा मुफ्ती आरएसपुरा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को बांटा था, लेकिन आज देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम किया जा रहा है। ये लोग फिर बंटवारा चाहते हैं। जिन्ना ने एक बार बंटवारा किया हिंदुस्तान की जमीन का, ये लोग दोबारा यहां के लोगों का बंटवारा करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को खबरदार करना चाहती हूं, अगर हमने इनको दूसरा बंटवारा करने दिया तो भगत सिंह की जो कुर्बानी है वो लाएगा जाएगी, वो जाया हो जाएगी। जो गांधी जी कहते थे वो सब जाया हो जाएगा। इसका मतलब है वो दूसरा एक गोट से नहीं, इस वक्त कई गोट से है जो गांधी को मारना चाहते हैं। और गांधी इस वक्त क्या है, पूरा हिंदुस्तान गांधी है। इनको छोड़ के इस वक्त वो गोट से दोबारा गांधी को मारना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, दोबारा गांधी को मरने मत दो। एक बार मार दिया दोबारा मत मरने। तो आपने सुन लिया क्या कह रही हैं महबूबा मुफ्ती और क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला। अब देखना होगा कि इस बार सरकार और बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती हैं, देखना होगा। लेकिन घाटी की दो पार्टियों के बड़े नेता का बोलना कुछ अटपटा लग रहा है।